आज हम बात करेंगे बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। रीडिंग इज टू द माइंड व्हाट एक्सरसाइज इज टू द बॉडी, यानी कि जिस प्रकार से शरीर के लिए व्यायाम आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार से आपके माइंड के एक्सरसाइज के लिए रीडिंग एक बहुत अच्छा माध्यम है। प्रेगनेंसी के दौरान कई महिलाओं के मन में अलग अलग तरह के विचार आते हैं। ज्यादा सोचने के कारण कई बार तनाव और डिप्रेशन जैसी समस्याएं सामने आ जाती हैं। गर्भ में पल रहे शिशु की हेल्थ के लिए इस तरीके की ओवरथिंकिंग खतरनाक साबित हो सकती है। इसीलिए प्रेगनेंसी के 9वें माह के दौरान महिला का पॉजिटिव रहना बेहद जरूरी है, ताकि आपके होने वाले बच्चे की सेहत पर कोई बुरा प्रभाव ना पड़े। इसीलिए प्रेग्नेंट महिलाओं को अच्छी अच्छी बातें सुनने और पढ़ने की सलाह दी जाती है। ये बात तो आप जानते ही होंगे कि हमारे शरीर का कमांड हमारे दिमाग के पास होता है। दिमाग में जैसे ख्याल आते हैं, बॉडी वैसे ही रिएक्ट करती है। गर्भ में पल रहा बेबी डायरेक्टली अपनी माँ के साथ जुड़ा होता है। माँ जो कुछ भी खाती है, सुनती है, सोचती है, देखती है, महसूस करती है, इसका असर ठीक आपके शिशु पर पड़ता है। इसीलिए प्रेग्नेंट महिलाओं को पॉजिटिव रहने की सलाह दी जाती है। मन में किसी तरह के नेगेटिव विचार ना आए, इसीलिए बुक रीडिंग एक बहुत अच्छा माध्यम है, जिसके जरिए मन को सही दिशा में लाया जा सकता है। अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान अच्छी अच्छी किताबें पढ़ते हैं और रिलैक्स फील करती हैं, तो मन में नेगेटिव विचार नहीं आएंगे। प्रेगनेंसी के दौरान नॉलेज भरी बुक्स पढ़ने का सबसे ज्यादा फायदा आपके होने वाले शिशु को पहुंचता है। प्रेगनेंसी के 6 माह के बाद शिशु की समझने की कैपेबिलिटी डेवलप हो जाती है, और अगर इस दौरान माँ बुक पढ़ने की आदत डालती है तो आपके शिशु का दिमाग भी तेज होगा। प्रेगनेंसी के दौरान मन में कई तरह के ख्याल आते हैं, इतना ही नहीं टेंशन और डिप्रेशन का भी जोखिम बना रहता है। ऐसे में एक अच्छी किताब पढ़ने से इस तरीके की सारी परेशानियों का जोखिम कम हो जाता है। प्रेगनेंसी में महिलाओं का मूड स्विंग्स होना बहुत नॉर्मल और साधारण सी बात है। इस दौरान अक्सर महिलाएं इरिटेट हो जाती हैं, बात बात पर गुस्सा करना, चिड़चिड़ापन होना बहुत ही सामान्य सी बात है। ऐसे में एक अच्छी किताब आपके मूड्स को पॉजिटिव रख सकती है और मूड स्विंग की समस्या से आप दूर हो सकते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान अगर महिला प्रेगनेंसी से जुड़ी कोई भी किताब पढ़ती है, तो इससे उसका पूरा दिन अच्छे से व्यतीत हो जाता है और प्रेगनेंसी से जुड़ी बहुत सी जानकारी भी उसे मिल जाती है और मन में चलने वाली बहुत सारी उलझनें भी दूर हो जाती हैं। आपका और आपके बच्चे के लिए क्या क्या चीज़ें फायदेमंद और नुकसानदेह है, इससे जुड़ी जानकारी आपको मिल जाती है। इतना ही नहीं, डिलीवरी से जुड़ी किताबों को पढ़कर महिला को डिलीवरी के लिए अपने आप को मानसिक व शारीरिक रूप से कैसे तैयार करना है, इससे जुड़ी जानकारी भी मिल जाती है। प्रेगनेंसी में बच्चे से रिलेटेड किताबें पढ़ने से माँ को अपने बच्चे की केयरिंग से जुड़ी बहुत सी जानकारियाँ मिल जाती हैं, जिससे बच्चे की परवरिश में काफ़ी मदद मिलती है। पहली बार माँ बनने का एहसास स्पेशल होता है, लेकिन इस दौरान पेरेंटिंग से जुड़ी किताबें पढ़ना भी आपके लिए एक बहुत बेस्ट ऑप्शन है। पेरेंटिंग से जुड़ी किताब पढ़ने से आप अपने पेरेंटिंग एक्सपीरियंस को और बेहतर बना सकती हैं। जन्म के दौरान शिशु को कैसे उठाना है, कैसे खिलाना है, शिशु के विकास से जुड़ी सारी जानकारियां आप अच्छी बुक रीडिंग हैबिट से प्राप्त कर सकती हैं। प्रेगनेंसी के दौरान धार्मिक किताबें पढ़ने से महिला का मन शांत होता है और साथ ही इससे आपके गर्भ में पल रहे शिशु को अच्छे संस्कार मिलते हैं। बच्चे को खुश रखने के लिए महिला कार्टून व कहानियों का भी सहारा ले सकती है। ऐसा देखा गया है, कहानी और कार्टून के जरिए बच्चे चीज़ों को आसानी से समझ लेते हैं, इसीलिए यह आपके लिए एक बहुत बेहतर ऑप्शन है। कई बार प्रेगनेंसी में महिलाओं को नींद ना आने की समस्या भी रहती है। ऐसे में नींद ना आने की समस्याओं को आप अच्छी बुक रीडिंग हैबिट से दूर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए जो कि शिशु के दिमाग के विकास के लिए फायदेमंद हो। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।